प्रिटी श्योर आज का मौसम जितना अच्छा है मॉडिफिकेशन भी आज उतनी ही अच्छी होगी एंड दिस कुड बी वन इन इंडिया मॉडिफिकेशन। आई डोंट पर्सनली नो बिकॉज काफी सारे रॉयल फील्ड्स के अंदर पहले ये चीज आती थी पर उन्होंने वो डिसकंटिन्यू करके वो स्पेसिफिक चीज लगा दी, दैट इज द लेडीज फुट रेस्ट। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पहले की बाइक्स के अंदर मेटल के चेन गार्ड्स आते थे, आज के नए में प्लास्टिक आते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर वो दो चीजें जो आपने पिछले शॉर्ट्स देखे अबाउट द रिमूवल ऑफ अनवांटेड थिंग्स, दैट इज द प्लास्टिक चेन कवर एंड द सेकेंडली द लेडीज फुटरेस्ट जो हमारे बाइक के साइड में जाल होता है। आई सीरियसली डोंट हैव एनी हेट टूवर्ड्स रॉयल एनफील्ड कि उनके क्या डिज़ाइन है, क्या कैसा है, क्या नहीं है, पर एक चीज़ मैं ज़रूर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि ये चीज़ बाइक को ना बहुत ज़्यादा अगली, शैबी, बेकार बना देती है मेरे हिसाब से। आप में से जितने व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दैट वी आर वेरी क्लोज टू 8,000 सब्सक्राइबर्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल नाउ, अभी की अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी आई वांट टू से दैट कि जिन जिन के घर के अंदर लेडीज हैं, एक मदर है एंड एजड पीपल हैं, तो वो इस चीज को मॉडिफिकेशन को ना करवाएं। पर जो हमारे जैसे हैं, भतरे हैं, उनको आवारागर्दी करनी है, मतलब जिनको ऐसी एक स्टर्डी बाइक चाहिए, एक स्लिम बाइक चाहिए, क्योंकि एक स्लिम लुक दे देती है पीछे से, ये तो करवा कर देखना। एंड कई लोग कहेंगे कि इससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाइक पे दूंगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड यू वॉचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आई ध्रुव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दो बाइक पे, एंड इसका जो भी खर्चा है आपको कहां से लेनी है, रिमेंबर दिस इफ यू आर सिटिंग एनीवेयर इन इंडिया, आई ध्रुव तन्वल विल शिप दीज आइटम्स टू योर home, contact Moto Store India for any of the things you want from the video. Ha ha ha, so the bike is almost here and tu, you naughty girl, tu ab chali jayegi yahan se. जिन लोगों को समझ नहीं आई है अभी तक बात, मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जो एक पाइप देख रहे हो, ये जो एक सिंगल पाइप यहाँ से आ रहा है, सेम मैं लगवाने वाला हूँ इस साइड पे, दैट विल कम लाइक हियर एंड इट विल गो लाइक दिस। ये जो पूरा जाल है, ये जो चीज है, ये यहाँ से चली जाएगी एंड माई बाइक विल लुक मोर फिनिश्ड, मोर सुपीरियर एंड मोर ब्यूटीफुल आई थिंक। एंड जो सेकंड चीज है वो है हमारी, जो ये हमारा चेन कवर है, जो चेन कवर हमारा प्लास्टिक का है, ये हम मेटल का लगवाएंगे। बाकी आप में से जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी, दैट वॉज द चेन क्लीनिंग, वो आज का ही दिन था। आज सुबह मैंने वो वीडियो खत्म करी है एंड आई हैव केम कम्प्लीटली हियर टू कंटिन्यू दिस सेकंड व्लॉग अबाउट द मॉडिफिकेशन। ओ मास्क ऊपर कर लिया जाए दोस्तों, फुल चेकिंग चालू है। सो अब मैं आ चुका हूँ पूरा फॉर्म के अंदर एंड आप सबसे बात करने के लिए पूरा तैयार हूँ। अभी जो आगे बस जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा हीट आ रही है यार, एकदम जब सर्दियों में इस बस के लिए चलाओ तो भाई मज़ा आ जाता। आप लोगों के लिए माइलेज टेस्ट की वीडियो भी बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली है, क्योंकि इसका फ्यूल की जो बत्ती है वो कहीं ना कहीं जलने लग गई है, तो इंडिकेटेड है कि हाँ फ्यूल ख़त्म होने वाला है। मैंने ये नोटिस किया है कि इसके मिरर्स अगर वाइब्रेट करते हैं तो फिर अगर आप इनको टाइट कर दोगे तो फिर इसके अंदर दिक्कत नहीं आती है, दे डोंट वाइब्रेट अ लॉट देन। अभी करेंगे ना जब टाइट नहीं होंगे, तो आई थिंक तो बाइक की वजह से इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं, इतने लूज़ हो जाते हैं। तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। बाकी द बाइक इज़ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। बस आज की जो मॉडिफिकेशन है, इससे मेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अभी से, क्योंकि ये चीज़ साइड में झूलती है यार, ये बाइक से बाहर निकली हुई है, ये बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती मुझे, बिल्कुल मतलब अनएथिकल लगती है। आई जो सेकंड पर्सपेक्टिव है इसका कि यस दैट देर आर लेडीज़ इन द फैमिली, दे सिट लाइक दिस, पर ऐसे बैठने का कंसेप्ट बनाना ही क्यों है? वेदर यू आर ओल्ड, वेदर यू आर यंग, दैट डजंट मैटर एट ऑल। मैं कंसिडर कर सकता हूँ उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा एजड हैं, जो साइड में से बैठ सकते हैं ऐसे, पर 40-50 ईयर्स तक हमारे जितनी भी फीमेल्स हैं हमारे घर के अंदर, उनके लिए ये लेडीज़ फुटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं देखे हुए। सपोज़ जैसे मेरे सामने एक बाइक जा रही है, वहाँ पर जो जैसे, हाँ दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गेट, जैसे यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट लगा हुआ है तो ये ऐसे बैठी है, सपोज़ ये बाइक आगे भगवान ना करे लेकिन अगर टकरा जाए, टकरा कर एकदम से साइड में गिर जाएंगी, ये बताए वो आप साइड में गिरेंगी नहीं गिरेंगी, मेरा कंसर्न सही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, ठीक है? साइड एकदम से गिर जाएंगी, दिस इज़ द मेन पॉइंट। पर अगर वो ऐसे बैठती है, देखो इनके पास बुरखा है, आई अंडरस्टैंड द कंसर्न, सेफ्टी यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन मेनी थिंग्स गाइज, यू नो वेरी वेल। There are many of my Sikh friends that wear helmet during their rides. You know, everything comes under concern when there is the point of safety. Okay? So I hope कि जो मेरी information है वो किसी का intention hurt ना करते हुए safety की तरफ point out कर रहा हूँ। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मैं किसी चीज़ को वो नहीं कहना चाहता कि हाँ इसमें नहीं कर सकते, उसमें कर सकते हो, नो no.
मेरा कंसर्न बस हर किसी की सेफ्टी है, एंड आप सबकी मदर्स भी मेरी मदर है, तो इसलिए मेरा एक मेन पर्सपेक्टिव है इस मॉडिफिकेशन को ऑप्ट करने का। आपका दूसरा हो सकता है, मेरे तो एक तीर से दो निशाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माई फैमिली विल बी सेफ, कि जब मौका ही नहीं होगा ऐसे बैठने का तो बैठेंगे ही नहीं। सेकेंडली द बाइक विल लुक एब्सोल्युटली स्लीक एंड मेरे को क्लीनिंग करने में आसान होगी। बाकी इसका जो ड्रॉबैक है उसके बारे में एंड जो इसका प्राइस है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे एकदम। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मज़ा आता है इस बाइक को राइड करने में। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जब हैंडल छोड़ दो दैट इट गोज एकदम स्ट्रेट, यू कैन सी। मैंने मोड़ पर छोड़ दिया, छोड़ना मत, आप मत छोड़ना समझे। पहले बाइक स्कूटी हर चीज़ चलाने का, हर तरीके से चलाने का एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा पता है। आई कैन काउंट ऑन माई सेल्फ, पर इफ़ यू आर अ न्यू राइडर एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ द थिंग्स टिल द टाइम आई एम रीचिंग माई डेस्टिनेशन। वॉट यू ऑल कैन डू इज, स्टोर है दैट इज मोटो स्टोर इंडिया, यू कैन गो एंड चेक दैट स्टोर आउट, जहाँ पर मैं लाता हूँ अपनी बाइक्स पे। मैंने जितनी मॉडिफिकेशन करी है वो सारी मैं फीचर करता हूँ उस स्टोर के ऊपर। द स्टोर इज अवेलेबल ऑन टू प्लेसेज, दैट इज इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, आपको दोनों स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जाकर ज़रूर चेकआउट करना। एंड आई गारंटी यू दैट यू विल गेट द चीपेस्ट प्राइस ऑफ द एक्सेसरीज। ये नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, ये है दैट वी डोंट प्ले ऑन पीपल्स इमोशन, वी प्ले विद द प्राइस। द प्राइस यू आर गेटिंग यू वोंट बी गेटिंग एनीवेयर इन द एंटायर, मतलब ढूंढ लो जाके, एक चैलेंज है, आप चैलेंज एक्सेप्ट करो एंड ढूंढ के दिखाओ जिस प्राइस में हम वो स्पेसिफिक एक्सेसरी विद स्पेसिफिक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, सो ये मैं सोच रहा, मैं पता नहीं क्या पहन कर आ गया गाइज, थोड़ा सा धूप ज़्यादा हो गई है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा वो पहनना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। धूप भाई, सच बताऊँ तो मुझे जो है दिल्ली का सीन ख़राब लग रहा है अगले आने वाले 5 सालों के अंदर। रेडिएटर होता तो कितनी ज़्यादा हीट होती है, रेडिएटर तो फेलता है इस बाइक के अंदर, लोहा है भाई पूरा, रेडिएटर कहाँ संभाल पाता है इस चीज़ को। वाह बेटे वाह, ये पुलिस वाले अंकल जी ने कहा कि बेटे तुम जाओ, तुम्हारी बत्ती हो गई है खुल। अरे भाई रुक जाओ, BLK सर रुक जाओ, थोड़ी सी लाल बत्ती है यार, इतना जो शर्म कर लो। बताओ यार इनके लिए कितनी ज़्यादा अनमैनेजेबल चीज़ है यार। रेस्पेक्ट टू ऑल द पुलिसमैन ऑफ दिल्ली, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग यार। एक बार दिन में यहाँ पे खड़े होकर देखो, यू कांट इवन बेयर द हीट कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल, सो द ह्यूज रेस्पेक्ट। ओ भाई कपड़ा तो लगा ले, इतना बड़ा रॉड मेरे लिटरली यहाँ से गया, एटलीस्ट कपड़ा तो लगा लो इसके अंदर यार। पर जब बात आती है द बेस्ट इन क्लास क्वालिटी एक्सेसरीज, यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉन्टैक्ट रौनक, ही इज ऑलवेज अवेलेबल मैन। की शॉप की लोकेशन तो आपने देख ही ली है, और क्वालिटी वाली चीज है वो तो है। सो आइदर वी टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशन और वी टॉक अबाउट एनी एक्सेसरी जो मुझे अपनी बाइक में लगवानी पड़ती है, सो आई डायरेक्टली कम टू दिस मैन इन द फ्रेंड्स। हाय एवरीवन, बिकॉज ही ऑलवेज ब्रिंग्स ऑल काइंड ऑफ न्यू एक्सेसरीज एंड लेटेस्ट गजब एक्सेसरी दैट यू विल सी ऑन द मोटो स्टोर इंडिया एंड हिज शॉप रौनक एंटरप्राइजेस करोल बाग, यू कैन विजिट एनी टाइम। क्वालिटी वोंट बी एन इशू, कभी इशू नहीं होगा। एंड अपना जो है वो मडगार्ड का जो काम है, जो मडगार्ड तान का काम है, तो इस चीज़ को कराने के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, एंड यू नो वेरी वेल कितना टाइम हो गया करते यार फाइनली। एंड इसके बाद आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू गो ऑन द हाईवेज, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू जस्ट हिट द रोड, बिकॉज माई बाइक इज़ फाइनली प्रिपेयर्ड एंड द प्रोजेक्ट, जितनी आपने पिछली वीडियोज़ देखी अबाउट द मॉडिफिकेशन, इट्स गोइंग टू बी ओवर प्रैक्टिकली, क्योंकि पॉइंट होता है कि हाँ मेरी बाइक कैसी दिखेगी, तो वो वैसी अब दिख रही है। बाकी छोटे मोटी चीज़ें जो मैंने अभी देखी हैं वो आपके लिए आगे लेकर ज़रूर आऊँगा, उसे भी एक बार देखना। एंड यकीन नहीं करोगे लेकिन क्या बताऊँ, बहुत तगड़ी वीडियोस आने वाली आगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। ओके MK करवा दो यार फटाफट, बिकॉज वी आर प्लानिंग क्वाइट न्यू थिंग्स एंड क्वाइट गुड थिंग्स फॉर यू एंड फॉर योर रॉयल एनफील्ड, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, शेयर हिज वीडियोस, कमेंट ऑन हिज वीडियोस। आवर बाइक इज स्टैंडिंग ओवर हियर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क। यस बॉस, योर फर्स्ट स्टेप क्या होगा यार अपना? पहले हम करेंगे तान का काम, उसके बाद देन योर फेवरेट मेटल चेन गार्ड। हाँ मेटल चेन गार्ड मुझे चाहिए, जब बाइक फुल मेटल है तो चेन गार्ड भी अपने इनको चाहिए मेटल।
यहाँ पे अपना मेटल चेन गार्ड। मेटल चेन गार्ड का तो बस एक ही शुरू से शौक है कि बस पूरी बाइक मेटल हो जाए। एंड चेन गार्ड ना बहुत सस्ती एलिमेंट लगती है उसमें देखने के लिए, इसलिए मेरे से तो बर्दाश्त। तो मैं करा रहा हूँ चेंज, आपको करा दिया तो यू कैन ऑर्डर। ये दिस इज कम्प्लीटली मेटल एंड वेरी हार्ड स्टफ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो साइड की जो ग्रिल है, जो आप लेडीज फुटरेस्ट जिसको बोलते हो, वो हटवा कर आई एम पुटिंग द मड गार्ड तान, जो हमारी इलेक्ट्रा वाले मॉडल्स में आता था, सेम वैसे ही हम कॉन्फिगर करके इसमें लगाएंगे। एंड कंपैटिबल वो तो 100% होगा ना? यस बॉस, कंपैटिबल वो 100% होगा, देयर विल बी नो इशू। जब तक यार ये बैठा है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब आप में से काफ़ी लोगों के डाउट ये होंगे दैट अगर मैं इस तरफ का तान हटा दूंगा, एंड काफ़ी सारे शॉपकीपर्स आपको ये बोलने की कोशिश करेंगे कि आप अगर इस साइड की जाल हटा दोगे, जाली हटा दोगे, तो आपके बाइक की जो मड गार्ड की जो स्ट्रेंथ है एंड जो सिटिंग स्ट्रेंथ है बाइक की, ओवरऑल होल्डिंग कैपेसिटी है, वो एकदम से गिर जाएगी। हाउ मच इज दैट ट्रू? सीधी सी बात है, आपको अपनी बाइक आपने ली है, यू हैव परचेज्ड इट, तो आप अपनी मर्जी से चलाओगे। यू डोंट हैव टू ट्राई लाइक के यार जो शॉपकीपर बोलेगा हम वही करके। क्वालिटी आपको दोनों में मिलेगी, वेदर इट्स सारी गार्ड या फिर आप एक नॉर्मल तान लगा, क्योंकि नॉर्मल तान भी जो होती है वो भी एक क्वालिटी वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको एक प्लास्टिक आइटम देंगे जो टूट जाएगी। सो आई डोंट थिंक कि जो मड गार्ड बैठने वाली बात है, जहाँ तक मैंने दूसरे शॉपकीपर से सुना था एक टाइम पर, ट्रू है। बिकॉज जिसके पास सामान नहीं है उसको वो पता नहीं है, लेकिन जिसने लगाया है उसको एग्जैक्टली पता है। मैं लगा रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मॉडिफिकेशन फॉर दिस थिंग। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि इसकी जो स्टोरीज है डेली अपडेट्स के साथ वो सारी आपको ऑनलाइन मिलती हैं। मैं अब इतनी बड़ी फालतू की चीज़ जो जाल होती है साइड में, मतलब बहुत ही पॉइंटलेस चीज़ है। पहली बात तो मैं आपको रास्ते में आते आते एग्जांपल दे रहा था, अब उसको रिप्लेस कर देंगे हम इस चीज़ से। एंड दिस इज़ वेरी स्टर्डी हार्ड यार, एंड वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड दिस इज़ द सेकेंड थिंग, इसका पूरा सेट मिलता है आपको, तो आई हैव टू परचेज द कम्प्लीट सेट फॉर दिस। And this is very cheap yaar, prices in the last, okay? The bike is getting ready and I am very excited personally, क्योंकि ये चीज़ मैं कभी चाहता ही नहीं था अपनी बाइक के अंदर, और वो आज जा रही है, literally जा रही है। कि अगर इसको बिना पीछे वाली सीट के चलाएं, then this machine seems more sexy and appealing. Our day is not far that I'll bring the biggest modification in terms of touring and adventure, you know. And wo bhi yahi se shuru hogi kahin se. अब इसको कह सकते हैं हम एक क्लासिक 350 लिटरली, बिकॉज इतनी वाइल्ड लुक लगा। मडगार्ड की चला सकते हैं ऐसे? यस बॉस, उल्टा बिना मडगार्ड के ज़्यादा प्यारी लगेगी। मेरे को लग रहा है स्ट्रीट एकदम स्ट्रीट रेडी लग रही है पूरी है। सो जो मेन पॉइंट है अपना, जो हम चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक बार इसके मडगार्ड के जो नट्स हैं वो साइड में से खुल जाएँ, उसके बाद ही वो जो मेन जाली है वो निकल के बाहर आएगी। पर मेन पर्सपेक्टिव ये है कि बाइक का ओवरऑल लुक बहुत सेटिस्फाइंग हो जाएगा अपने लिए। तो बिल्कुल होगा, आप आओ, मोस्ट वेलकम एट माय स्टोर, एंड आपको अच्छी डील्स मिलेंगी अच्छे प्राइसेस पे। बड़ा खुश। मडगार्ड की स्ट्रेंथ तो कम नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि इसके अंदर जाली ज्यादा होती है तो फिर वेट ज्यादा ले लेता है वो। तो ऐसा तो फिर दूसरी साइड भी जाली देनी चाहिए, क्योंकि फिर तो एक ही जगह प्रेशर रह जाएगा। बस ये इतनी सी चीज़ ने इतना ज़्यादा दुखी कर दिया था, इसका वेट भी इतना ज़्यादा है। थोड़ा सा तो ये लग ही चुका है, अब एक फाइनल लुक ले लेता हूँ उस साइड जाकर। आई एम प्रीटी श्योर आपने वो एक छोटी सी लुक देखी होगी, एंड ओ माय गॉड लुक आ रही है आपने वहाँ, परफेक्ट यार, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई यार, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। दिमाग है यार, आइडिया है, आइडिया लेकर आए हैं आप सबके साथ, करो ऑर्डर करो फटाफट। Yeah.
finally, another day, another video, another modification, and a very unique modification comes to an end finally. And the work was absolutely beautiful by the people, and you are welcome. You are always welcome to Ronak Enterprises and Moto Store India to order your products. You will get all the products get delivered home. Just WhatsApp me and check the catalog. And Delhi mein ho to yahan aakar kaam karwao and you will get the work done. Yes. Latest modification hum switch ki lekar aaye the. Khair, hum sab ne kamyabi se ye switch out of stock kar diya sabke liye. And it's actually not available in whole market. ये seriously खत्म हो चुका है स्विच, लेकिन still आपको चाहिए होगा तो थोड़ा टाइम रुक जाना और आपको ये जरूर आप। हम सब ने मिलके इस चीज एक चीज को out of तो जो second modification है, which is the removal for this thing, this complete thing, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मडगार्ड तान, साड़ी गार्ड, साड़ी गार्ड, मडगार्ड तान, या फिर हो जाता है हमारा लेडीज फुटरेस्ट, जो काफी सारे यंगस्टर्स पसंद नहीं करते. पर मैं ऑलवेज ये रिकमेंड करता हूँ, एज लॉन्ग एज यू आर 40 to 45, 50 ईयर्स ओल्ड, यू कैन सिट ऑन द बाइक क्रॉस लेग्ड, मतलब फुटरेस्ट पर पैर रख के आराम से बैठ सकते हो. तो फिर सेफ्टी को कंसर्न करते हुए मैंने ये चीज़ अपने लिए हटवाई है. आपका क्या पर्पज़ है मुझे नहीं पता. मेरा लुक्स एंड सेफ्टी वॉज द फर्स्ट थिंग कि कोई साइड में पैर रख के ना बैठे, मेरा पहला कंसर्न तो ये. वीडियो पसंद आई एंड जो मॉडिफिकेशन है, जो आइडिया है वो पसंद आया, तो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ. एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू वीडियो इन द नेक्स्ट वेरी सुपर एंड फन वीडियो. एंड डू कम एट माय स्टोर रौनक एंटरप्राइजेस. बाय, टेक केयर, एंड चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. ठीक है, गाड़ी की वीडियो आ सकती है, वेट एंड वॉच.